श्रीमान राहुल गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे डिगोई रिफाइनरी ग्राउंड में। साथ ही जितेंद्र सिंह जी और हमारे एमपी श्री प्रद्युत बंदे जी का भी अभिनंदन करता हूँ। मैं सर को इस रिफाइनरी के विषय में थोड़ा मजदूरों के विषय में कुछ ज्ञात कराना चाहता हूँ। सर, आप सभी लोग जानते हैं कि ये रिफाइनरी एशिया का सबसे पहला रिफाइनरी है और इसमें करीब करीब पहले के दिनों में, आज 1901 में इसका जन्म हुआ था, 1901 के बाद इसमें करीब करीब 6,000-7,000 इम्प्लॉय और कम से कम 10,000-12,000-14,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते थे। लेकिन सर, उस समय का जो परिस्थिति था उस समय तो बहुत अच्छा ही हम लोगों को मिला, लेकिन आज इस 7 साल में जो भोग रहे हैं हम, उसके लिए हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, इस रिफाइनरी में, इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन इस सात साल में हमें यह अनुभव हो रहा है कि इस इंडस्ट्री को सिर्फ मैनेजमेंट चला रही है या कुछ लोग चला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से हमने आज तक जितने भी 1947 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसको लेकर के जितना भी हम लोगों ने इन लोगों से डिमांड किया, आज तक कोई डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। सर, इस विषय में हम आपको ज्ञात कराना चाहते हैं सर कि यहाँ काम करने वाले लोग जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं उनको फैसिलिटी तो छोड़ दीजिए सर, जो कॉन्ट्रेक्ट लेबर आज 14-15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं उसको अगर मैनेजमेंट का जब भी मर्जी आता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी फैसिलिटी। तो ये सर इन लोगों का दुर्नीति है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें क्या है सर, आज यहाँ पर आपने किसी इंडस्ट्री में नहीं देखा होगा कि किसी भी वर्कर को 3-4 महीने बाद पेमेंट मिलता हो, यहाँ रेगुलर पेमेंट कभी भी नहीं है सर। आज 3-4 महीने से पेमेंट हैंड अप है, अभी भी यहाँ कुछ लोग उपस्थित है जो आज तक पेमेंट नहीं मिला 3-4 महीने का। 3 लेडी है सर गेस्ट हाउस में, इन लोगों को हमारे वर्कर हैं गेस्ट हाउस के वर्कर, 3 लेडी अभी यहाँ बैठी हुई हैं सर, उन लोगों को अभी फिलहाल में 15 दिन पहले टर्मिनेट कर दिया गया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी पेमेंट सर, उनका 2-2 महीने का सैलरी भी बाकी है। और सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि पीएफ हमारे यहाँ जो पीएफ डिडक्शन कर रहे हैं, पीएफ डिडक्शन करके कुछ पैसा जमा होता है, बाकी पैसा जमा नहीं होता, और पीएफ विड्रो करने जाने पर, पीएफ जब आदमी टर्मिनेट हो जाता है विड्रो करने जाने पर उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात है सर, ईएसआई मेडिकल दिया हुआ है यहाँ पर, ईएसआई मेडिकल में हम 2006 में सर हमने 2006-07 में हमने एक एग्रीमेंट करवाया था जो 143% हाइक हुआ था, क्योंकि उसका चार्ज हमको गुवाहाटी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से दिया गया था। मैं आपको जानकारी दे दूं सर, मैं असम ब्रांच का डब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी मेंबर हूं सर। यहां पर ईएसआई में इतना घोटाला है सर, एक कंपाउंडर वही डॉक्टर है, वही रिफर करता है और वही मेडिसिन भी देता है सर। तो इससे एक मेडिसिन एक परिवार को दिया गया था जो एक्सपायरी डेट का मेडिसिन था, उसको मैंने चेयरमैन डायरेक्टर सबको बुलाया था गुवाहाटी से बुला करके बोलने के बाद मैनेजमेंट भी थी, उन्होंने बोला कि हम फैसिलिटी करा देंगे, लेकिन आज उससे भी बदतर है सर ये। उसके बाद सर ग्रेजुटी जो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो काम करता है, एक ने ग्रेजुटी दिया है उसको ग्रेजुटी देने के बाद आज तक किसी भी आदमी को ग्रेजुटी प्रोवाइड नहीं किया गया सर, ना ग्रेजुटी का फैसिलिटी दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर सर यहाँ जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके सर्वेंट को, प्राय 3,000 सर्वेंट को फ्री मेडिकल मिलता है सर, लेकिन जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर उनको मेडिकल नहीं है सर। सेफ्टी गियर्स के नाम पे जीरो है सर, बिल्कुल शून्य सेफ्टी गियर्स। यहाँ मॉडर्नाइजेशन हुआ था सर, मॉडर्नाइजेशन में हम लोगों ने, यहाँ और भी लोग हैं भक्ता हमारे एओसी लेबर यूनियन के, एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो लोग बताएंगे सर कि हमने यहाँ जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उस समय सर जिस आदमी के पैर में 5 नंबर का जूता आना चाहिए उसके पैर में 10 नंबर का जूता दे करके लसर लसर के चल रहे थे जमीन पर, तो ये सर गलत बात है। अलाप अलाप समूह के समूह के
भैया अगर एक व्यक्ति बहुत लंबा बोलेगा भैया तो बाकी लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, तो आप कंक्लूड कर लीजिए, बाकी लोग बोलेंगे। सर लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इतना होने के बाद भी अभी चार जो नया वेस्टकोट बिल आया है, ये वेस्टकोट बिल हम लोगों के लिए काफी नुकसानदेह है सर, तो इसको रिफॉर्म कराने के लिए या इसको विड्रॉ करने के लिए जो हमारा एक्ट चल रहा था उसी को लागू कराने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस बात को सीरियसली लेंगे और उठाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। अरुण सुमलदा यूनियन टू नाम टू कोई दिव यूनियन टू नाम इंडिया रेसिस सीटू सीआईटीयू राहुल जी के प्रणाम करते हुए मैं दो चार बात रखना चाहता हूँ। पहला बात है भैया, एक मैं आपसे पहले सवाल पूछ सकता हूँ, ये जो नया कोड आया है इसके बारे में इसका आप पे क्या असर है थोड़ा मुझे बता सकते हैं? ये जो नए तीन बिल आए हैं, तीन कोड आए हैं, ज्यादा तो हम लोग बोलने नहीं चाहिएगा, लेकिन हम लोग जो मालूम है ये बिल जो है ये जो इंडस्ट्री में पहले कम आदमी होने से 150 होने से अभी उसका लेबर लो एक उसमें लागू होता रहा, 300 हो गया, अभी 300 हो गया, तो ये सब बात अभी हम बिल में ला रहा है, ये हम लोग सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग को बोल रहे थे कि लेबर कोड इसको जो लाया है उसको हटाना है, ये हम लोग का लेबर का ये डिमांड है। और पहला बार डिग्बो का तरफ से हमारा डिग्बो रिफाइनरी इतना एशिया का पहला रिफाइनरी है, इतना पुराना रिफाइनरी, लेकिन आज तक तो पार्लियामेंट में हम लोग नहीं सुना है कि इसका कैपेसिटी बढ़ाए, इसको और बड़ा करे, ये हम लोग अभी अब तक हम लोग सुना नहीं है, इसीलिए डिमांड है कि डिग्बो रिफाइनरी को कैपेसिटी बढ़ाए, इसको और बड़ा करे। और एक बात है, हम लोग का जो ऑयल सेक्टर में जितना कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, हम लोग इतना साल से काम करता है, इतना बड़ा इंडस्ट्री हम लोग चला रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर का फ्यूचर कुछ नहीं है, हम लोग का सभी सिक्योरिटी नहीं है, आज हम लोग का बोल दिया काम नहीं है निकल जाओ, कुछ नहीं है, निकल गया 10 साल 20 साल 30 साल नौकरी किया, हम लोग का कुछ नहीं है, कुछ पेमेंट का पेंशन का नाम से कुछ नहीं है, या हम लोग का कोई नौकरी का कोई सभी सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग का चला, इसलिए हम लोग साहब हम लोग यही रिक्वेस्ट है आपसे पार्लियामेंट में, हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बात उठाए ऑयल सेक्टर का, और हम लोग को जैसे भी देखिए हम लोग भी, और आप देखिए एक परमानेंट एम्प्लॉय का कितना मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कितना मिलता है, और हम लोग का कुछ फैसिलिटी भी है नहीं, इसलिए ये बात हम लोग को पार्लियामेंट में उठाने के लिए आप गुजारिश है, आप हम लोग के साथ ऑयल सेक्टर में काम करने वाले ठीक है श्रमिक को जितना लेबर है उन लोग के लिए भी पार्लियामेंट में बात उठे, हम लोग को भी कुछ देखे, यही बात हम लोग रखते हैं। और दूसरा बात है जो अभी बोला है जो लेबर कोड है उसको आप वो कोड हटा देने का है, जैसे पहले लाइन है वो लो है वही लो रहने का है। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं रिफाइनरी में? 14-15 उसमें से इनफॉर्मल कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने हैं? 14-15 और फॉर्मल कितने हैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट वाले? 700। आफ्ताब हुसैन डांगरिया एडवाइजर ठिका मजदूर यूनियन डिग्बोई, राहुल जी को इस डिग्बोई पावन धरती पर मैं स्वागत करता हूं, जो कि भारत के ये खेल माता है, तो आपका 1819 में यहाँ में टेन मिला, इसका बाद 1901 में ये रिफाइनरी बना, तो उस टाइम में ब्रिटिश का हाथ में था, हम गर्व से कहते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1981 में ये रिफाइनरी को नेशनलाइज किया, इसके आगे हम लोग को सी बी आता था, एमएनए नहीं आता था हम लोग का, आप लोग का तो 81 का बाद में हम लोग का बहुत उन्नति हुआ, हम लोग घर बनाए गाड़ी लिए ये सब किए, लेकिन आपका 2014 में इसके बाद में हम लोग इस रिफाइनरी को 9 मिलियन टन बा 6 मिलियन टन करने के लिए हम लोग बहुत मेमोरेंडम दिए थे, तो 2014 में हम लोग को नरेंद्र मोदी जी ने उनका जो एमपी है यहाँ का उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम लोग इसको हम लोग बनाएंगे, ये हम वादा करते हैं, लेकिन वो चीज़ वैसे ही रह गया, उसके बाद उसका कोई एक छोटा भी ये नहीं हुआ, जब यहाँ का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 1 मिलियन तक ले जाने के लिए कोशिश किया, जबकि ये रिफाइनरी का 5-6 मिलियन टन है, तो उस टाइम में भी इन लोगों ने बाधा दिया, बोलता है पहले बोला क्रूड नहीं है, एक एक बहाना दिखाया, इसके बाद बोलता है बाजार नहीं है, मैं कहता हूँ ये डिग्बोई रिफाइनरी सारा भारत को तेल देता था,
जो आज ये रिफाइनरी को बोलता है बाजार नहीं है, इसी दुख की बात और नहीं है। यहाँ पर आपका हमारे जो वर्कर है उनको बहुत असुविधा होना है, तो हमारा रिक्वेस्ट है जो ऑपोजिशन में रहकर आप इस बात को उठाएंगे। हमारे प्रमोद गोदरे जी जो पेट्रोलियम सेक्टर के एक कमेटी में है, मैं आशा करता हूँ इस बात को उठाएंगे, इस रिफाइनरी को जीवित रखने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, यही कहकर मैं धन्यवाद। यार पिछले ऐसे सीकराइजेशन हो रहा है, ऑयल कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया माइक दीजिए। ये जो मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है नेशनल लेवल पे, अलग अलग संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए सर, मैं बड़ा हूँ, आगे ये ब्रिटिश का अंडर में था, उस टाइम में प्राइवेटाइजेशन नहीं था, उस टाइम में हम लोग एक साइकिल खरीदने के लिए भी हम लोग को तकलीफ होता था, नहीं मिलता था। हम लोग का पिताजी लोग यहाँ में नौकरी किया, पेमेंट नहीं मिलता था। जब नेशनलाइज हुआ उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे मुँह देखे हैं। ये कॉन्ट्रेक्टर का लेबर का भी आपका हाजिरा आपका था करीबन 3 रुपया 4 रुपया ऐसे था। जब नेशनलाइज हुआ इसका हाजिरा बहुत बड़ा है, बहुत ये में आया हुआ है, लेकिन ये यहाँ के जो कुछ ऑफिसर है उन लोग का अभी भी ब्रिटिश माइंड है। तो प्राइवेटाइजेशन होने से हम लोग वो बैक वो आगे आदिम जमाने में जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ये प्राइवेटाइजेशन नहीं मानता है, इसके लिए हम लोग का ইয়ার পিছতে আছে সীতারাম বর্মা ডাঙরিয়া, এবছর লেবার ইউনিয়নের এক্স জেনারেল সেক্রেটারি। স্যার প্রথম যে আমারে স্টেট কা বিরামান আমারে আদরণীয় নেতাগণ, মানে যে কই মে আপনাদের আনে কে লিয়ে আপনাদের হার্দিক নমন আর স্বাগত করতা হুম। এ আমাদের কে লিয়ে এ বহুত হি সৌভাগ্যের বাত হ্যায় কি আজ আমারে বীচ মে আপ উপস্থিত হুয়ে। सर ऐसी बात है, मैं मेरा नाम सीताराम वर्मा है, मैं यूसी लेवल का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तो हमने डिगबोई रिफाइनिंग हम लोग का जो डिगबोई के वासी नॉर्थ ईस्ट का एक शाम रहा, और ये जब 1981 में इसका नेशनलाइज हुआ तो इसमें हम लोग का जो दया दिशा बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत उन्नति हुआ, रोजगारी भी सबको मिला। लेकिन आज दशा ये है कि हम लोग ने इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जितने मेमोरेंडम दिए, जितने मिनिस्टर हैं, जितने अधिकारी हैं जो इसके जो उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं, उनको भी हमने कई बार बारंबार उनको आराधना किया कि इसको कैपेसिटी को बढ़ाइए, लेकिन फुटबॉल का कमी है, मार्केटिंग का कमी है, कोई न कोई लकुना दिखाकर इसको जहाँ का तहाँ वही सर। इसकी एक इतिहास है सर, ये तो सभी ऑयल इंडस्ट्री का एक गंगोत्री है। पहले मथुरा था, गुजरात था, हल्दिया था, पहले वो शहर बसा हुआ था, लेकिन ये डिगबोई रिफाइनिंग पहले और बाद में डिगबोई हुआ सर। इसकी इतिहास ये है, सब शहर पहले बसा हुआ था, वो रिफाइनरी हुआ, लेकिन ये डिगबोई रिफाइनिंग होता है डिगबोई का। तो इसका जो एक प्राचीन महत्व है सर, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक सशक्त अपोजिशन पार्टी में है, आप सभी लोग हैं, मैं आपसे यही आराधना करता हूँ कि इस विषय को उठाइए ताकि इसका कैपेसिटी बढ़े, और ताकि यहाँ का बेरोजगारी और असम का जो ये गौरव जो डिगबोई रिफाइनरी है, जो सभी ऑयल इंडस्ट्री का गंगोत्री है, उसका विकास हो सके, ताकि यहाँ का बेरोजगारी, यहाँ का उन्नति उसका संभव हो सके। इतने कहते हैं, मैं अपने सदस्यों को विश्राम दे रहा हूँ। यार पिछले ऐसे मनोज गोगोई नगड़िया, असम पेट्रोल असम पेट्रोलियम वाटर यूनियन। শ্রী হারণ গাভিন হি ডাঙরিয়াদেব আর আমার সতীর্থক মানে আসাম ফেক্টরি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তরফরপা এইটে কব দিয়েছি যে আমি আসাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তরফরপা অইল নিয়ে বহু ডিমান্ড করে জুজি বাগি আমি 1 নম্বর গ্রেডর বেসিক পে আমি লোলে সক্ষম হয়েছো, আর আমার গেচিটিটো দিবলৈ আমি ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাক মেডিকেল বিষয়টোত আমাক হেমাহি চকুৰে ৰাখিছে,
এজনকে আমি মেডিকেল পোৱা নাই আৰু ইয়াকে কৈছোঁ ধন্যবাদ आप ये गोगोई जी बोल रहे हैं कि बहुत कष्ट करके ट्रेडिंग में जो पेमेंट का थोड़ा इंतजाम को कर लिया इन्होंने, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज में कुछ भी साधन या नहीं है, कुछ भी इनका लेबर को कुछ भी सुविधा नहीं मिलता। देखिए को ना रंजन चौधरी जी पहले तो हम असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन से राहुल जी को दिग्भर में स्वागत जनाते हैं और लास्ट 7-8 साल से हम लोगों ने देखा है एक नया चर्चा हो रहा है मन की बात, लेकिन वो मन की बात कमरे के अंदर से हो रहा है, लेकिन राहुल जी आज खास करके तेल उद्योग में जो जड़ित हमारा ठेका श्रमिक है वो खुलेआम मैदान पे आकर के बातचीत करने आ गए। असली मन की बात तो यहीं पर होगा ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आजकल तो मीडिया वाला आपका सेट भी कर देता है आपको क्वेश्चन कौन सा करना है। अब ऐसा है कि मुझे दुख का साथ बोलना पड़ रहा है, ये जो नया टर्मिनल बना है यहाँ पर जो तिनसुकिया में था 1901 साल में डिगो रिफाइनरी बना, 1927 में वहां पर बना मार्केटिंग का, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन सिक्योरिटी के वजह से यहाँ लेके आया। हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं किया, 300 का हर संगठन बोल रहा था कि रंजन दा हमारा टर्मिनल नहीं चाहिए, हमारा बहुत आदमी का पेट मिला करेगा। हमने ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए यहाँ लेके आया, शुरुआत में बहुत जैंग झपट्टा हुआ है। वो देवबोध सोइकिया साहब जो हमारा स्टेट का अपोजिशन लीडर है उन्होंने असेंबली में तोला, सीएम साहब हस्तक्षेप किया, उसके बाद में चीज सेटिंग हो गया है। अभी अपना यूनियन का एक्टिविटीज चल रहा है और मुझे तकलीफ इस बात का है, मैं भी पॉलिटिक्स करता हूँ, मेरा पॉलिटिक्स है कि वर्कर्स का बेनिफिट के लिए मेरा पॉलिटिक्स। जो लोग बिना झंडा का पॉलिटिक्स चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरा है, जिसका पास झंडा है ना वो सेफ है, लेकिन जो बिना झंडा का जो पॉलिटिक्स कर रहा है बहुत गंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। वहां में हमारा तय हो गया सब कुछ कि वहां में पूरा टोटल टर्मिनल बंद रहेगा, पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर हैंडीमैन है वो यहाँ पर मौजूद होंगे और इतना तादाद में मौजूद होंगे शायद आप लोगों को सीट भी नहीं मिलता और भी कुर्सी लगाने वाले थे। चौधरी जी हाँ मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, अपनी लोकल प्रॉब्लम और क्या ओवरऑल प्रॉब्लम ओवरऑल है। आज ही कथा तो बोल के मैंने जो दुख की बात है कि उस टर्मिनल में आज में बीजेपी वाला ने वहां पे उल्टा घुमा के छोड़ दिया मैनेजमेंट का साथ में मिलके। कल तक हमारा प्रेशर भरा के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी परमिशन लेकर के प्रोटोकॉल मानने के लिए बोला गया। क्या राजीव गांधी और हमारा राहुल जी बिना प्रोटोकॉल का है क्या? हमारा ये लोग प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन कर रहे, तो वहां में सिर्फ हमारा कुछ जिस तादाद में आना चाहिए था नहीं आ पाए। आदमी आए हैं यहाँ पर मौजूद है और हमने वहां पर भी बोला कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके भला के लिए, नहीं कांग्रेस का मीटिंग में नहीं जाना है। हम बोले वहां कांग्रेस का मीटिंग कहां पर है? वहां तो कांग्रेस का मीटिंग नहीं है, गलत बात है, कोई झंडा नहीं है कांग्रेस का, इवन कांग्रेस का कैंडिडेट भी मंच पर नहीं है। जो कंडीशन हम लोगों से हुआ था एक टोटली नॉन पॉलिटिकल एक प्रोग्राम है और इससे अच्छा ज्यादा मौका हमको कब मिलेगा? जो तेल खंड में रहते श्रमिक जो हुआ आप सब बात करें। अभी लास्टली बात यही है कि आज का दिन में भी टैंकर चालकों को जो मिनिमम वेज है वो नहीं मिल रहा। बाकी तो हमारे यहाँ आगे बंधु ने तो बोला है कि वो पीएफ ग्रेचुटी वगैरह से बोला वो हम भेज नहीं रहे, आज का दिन में नहीं मिल रहा। आज का दिन में पेट्रोल का भाव 100 रुपया हो गया लेकिन हमारा लेबर का रेट 100 रुपया तय नहीं हुआ। पेट्रोल हो चुका है और राहुल जी से मेरा आपका माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बहुत सारा टैक्स डाला जा रहा है। हमारा असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन से अनुरोध है कि इस पेट्रोल प्राइसिंग के साथ कम से कम 1% जोड़ दिया जाए, 1% जस्ट ऐड किया जाए, जो एक्सेस अभी है उसको घटा 1% अगर ऐड कर देते तो भी एथिकली कंपनी जो है हर एक को पेमेंट देने के लिए बाउंड कर सकता है मालिक को, वो सिस्टम हमको कानून लेना पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कुछ रास्ता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। और आपको मालूम होगा कि डिपो रिफाइनरी हिंदुस्तान का सबसे पहला और एशिया का भी ओल्डेस्ट और ये एक पहले मात्र रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी लिविंग रिफाइनरी के तौर पर है। यहाँ पर भी बहुत भी साजिश हो रहा है। कल हमारा श्रमिक जो है सोया हुआ है, कल नींद से जगेगा तो उसको समझ में आएगा कि आदानी अमरी के पास चला गया, भीतर का माहौल ऐसा है। और ज्यादा से ज्यादा श्रमिक हमारा यहाँ मोबिलाइज ना हो उसके लिए रूलिंग पार्टी ने वहां में चाल चला है और उसको हम धिक्कार देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम वेज जो है, हम जो पीएफ का बात करते हैं, ग्रेच्युटी का बात करते हैं, वो सब तो ही है, वो सब तो बहुत 100 माइल दूर है, लेकिन आज का दिन में सर तनख्वाह नहीं है, मिनिमम वेज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। और हम चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल से हो, क्योंकि आईएलओ जो बोला है कि हर दिन का 600 रुपया हजीरा, दैट इज 18,000। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुखिया है खुद प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी सम्मति दिया, उसके बावजूद भी जो मुखिया जो सम्मति दिया वो सम्मति भी अभी तक लागू नहीं है। कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन लेक्चर मत करो, करो नहीं तो। और अभी तक जितना भी उन्होंने बात बोला ना, सबका उल्टा ही होता है, ये हमारा माइंडसेट हो गया। और ये प्रूफ है, ये बात हो चुका। अभी राहुल जी आप लोग का आंसर दे रहे हैं। थैंक यू। শিবহাগৰ পৰা কোনো আহিছে নেকি? শিবহাগৰ নাজিৰাৰ পৰা, শিবহাগৰ নাজিৰা জুলন শইকীয়া কত রাহুল জি আপনার হার্ডিং পরিচয় আপনার পরিচয় নাম হ্যাঁ জুলন শইকীয়া, মোটর ওয়ার্কস ইউনিয়ন অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড टैंकर सालों देखभाल हैकर पर आजी। सर जी मेरा नाम जुलन सिंह के है, मैं टैंकर सालों को ऑल इंडिया लिमिटेड जुलियन के, लेकिन दिग्विजय में गैरी चलाता हूँ। तो प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि हम लोग अरुणाचल का सर मतलब दिग्विजय से हम लोग जाके अरुणाचल जाते हैं, वहाँ से जो क्रूड ऑयल अलग अलग जगह से हम लोग दिग्विजय लाते हैं, लेकिन तब हम लोग वहाँ से क्रूड ऑयल लाता है, हम लोग को कोई एक्सट्रीमिस्ट हो कोई टेरोरिस्ट हो हम लोग तो बोल नहीं सकता, लेकिन हमेशा हम लोग का ऊपर कुछ दबाव आता है, कभी गैरी चला देता है, कभी शूट करके अभी हम लोग को भाई बोलते जो है उन लोग को शूट कर देता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हम लोग जब ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑल इंडिया का यहाँ एक ऑफिस है दिग्विजय फील्ड में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल इंडिया ने हम लोगों को डाइवर्ट एंड हेडवर्ट कर लिया, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो लोग सिर्फ कुछ होने से मालिक का पक्ष पर पड़ता है कि हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, तो इसीलिए हम लोग ऑल इंडिया की तरफ से हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकेंगे। सर जी बात ये है 2018 में जब 19 बॉर्डर एक्सट्रीमिस्ट ने जला दिया था, उसमें हम लोग भी था, हम लोग जान लेके जंगल में भाग पड़े थे, लेकिन उस टाइम में भी तो हम लोग बना था जी अगर ऐसा कंडीशन होगा हम लोगों को कम से कम कॉम्पेंसेशन 20 लाख हम लोग बताया था, अगर ड्राइवर्स हो या हेल्पर्स हो 20 लाख मिनिमम हम लोग का कंट्रीब्यूशन दीजिए अगर हम लोग उस एरिया में अगर मर जाएंगे, लेकिन कंपनी ने हम लोग से काम ही लेता, लेकिन ये सब कुछ नहीं लेता। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हम लोग ड्राइवर्स एंड हेलमेट्स हैं, जो हम लोग बहुत कष्ट करके के देश का 10% काम हम लोग भी करता है, क्योंकि हम लोग ड्राइवर ही करता है अलग अलग जगह से पूरे दिन लेता है, तो आप लोग से ये विनती है कि आप संक्षेप में हम लोग के लिए भी कुछ सोचिए। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग अगर 2-3 महीने काम करने का
बाद में भी हम लोग का तनख्वाह मिलने का प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग का जनवरी अभी मार्च चले, लेकिन हम लोग का अभी जनवरी तक तनख्वाह नहीं मिलता, ऐसे कंडीशन में। तो इसीलिए ये आपसे विनती है कि आप ये प्रॉब्लम को भी थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि अगर हम लोग सही रहेंगे तो देश चलेगा। और एक बड़ा बात है कि अगर श्रमिक और किसान दोनों काम करेंगे तो अपने देश चलेगा। अगर हम लोग श्रमिक के बारे में जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ही नहीं लिए, कुछ सुनते ही नहीं, तो हम लोग किससे हेल्प लेंगे? तो यही आपका विनती है। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां मुझसे मिलने आए। मेरा यहां आने का लक्ष्य आपकी जो आवाज है उसको सुनने का, आपके दिल में जो है उसको समझने का है। तो अगर थोड़े से लोगों को रोक दिया इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने जो कहना था वो मैंने सुन लिया और उससे मैं सहमत हूं। देश में आजकल मैंने जैसे पार्लियामेंट में बोला, हम दो हमारी दो की सरकार चल रही है। आप देखिए हर इंडस्ट्री में, देखिए हर इंडस्ट्री में देखिए, आपको वही दो तीन चार चेहरे दिखाई देंगे। और एक आइडिया फैलाया गया है कि सरकारी जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एफिशिएंट होता है। मगर ये अगर आप गहराई में देखें तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर संस्थाएं जो प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं से बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है और अच्छा काम कर रही है। तो ये जो यूनिफॉर्म आइडिया कि भैया प्राइवेट सेक्टर अच्छा है पब्लिक सेक्टर खराब है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की मदद नहीं करोगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर काम कैसे करेगा? जैसे आपने कहा यहां पे कि आपको आपकी रिफाइनरी को अगर एक्सपेंड करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आपको कैसे कहा जा सकता है कि आप काम नहीं कर रहे? तो पहली बात तो ये है, प्राइवेटाइजेशन की जगह है, मगर जहां पे पब्लिक सेक्टर इफेक्टिव काम कर रहा है, जहां पे पब्लिक सेक्टर समाज के लिए रोल प्ले कर रहा है, उसको प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत है? आप कंपटीशन लाना चाहते हैं तो कंपटीशन लाइए, मगर जो मजबूत कंपनी है पब्लिक सेक्टर की उसको क्यों डिस्टर्ब कर दो? उसका एक ही लक्ष्य है कि जो फायदा वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी जनता को दे रही है, वो फायदा पूरा का पूरा ये दो तीन लोगों को देना चाहते हैं, उनके हाथ में डालना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां पे गुवाहाटी में आपका एयरपोर्ट है, बोर्डोलोई एयरपोर्ट, उसमें सरकार के 2000 करोड़ रुपए आए एयरपोर्ट बनाने के लिए, 2000 करोड़ रुपए दिए। 2000 करोड़ रुपए देने के बाद वो एयरपोर्ट अदानी को दे दिया। इसका आइडिया क्या है? 2000 करोड़ रुपए असम की जनता के लिए एयरपोर्ट के लिए भेजे गए और फिर आपने 2000 करोड़ रुपए और एयरपोर्ट अदानी जी को दे दिए। यही आइडिया फार्म बिल्स के पीछे है। तो ये कृषि पर आक्रमण कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पे आक्रमण कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे आक्रमण कर रहे हैं। आप आज अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहो प्राइवेट स्कूल में भेजो, मगर सरकार का काम इफेक्टिव एजुकेशन देने का है, सरकार का काम इफेक्टिव अस्पताल देने का है। मगर अगर आप हिंदुस्तान में अपने बच्चों को, माता पिता को अस्पताल भेजना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो, शिक्षा देना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो। तो ये डायरेक्शन ही बिल्कुल गलत जा रहा है। और जो आपने बात कही कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, इनफॉर्मल नॉन इनफॉर्मल वर्कर के बीच में, बिल्कुल सही है। अगर आप एक वर्कर को जो वही एक ही काम कर रहा है,
एक वर्कर को आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, दूसरे वर्कर को कम पैसा दे रहे हो, एक को प्रोटेक्शन दे रहे हो, दूसरे को कम प्रोटेक्शन दे रहे हो, या प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इसका मतलब वो कोई शब्द ही नहीं है। और ये तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखो, और जब उनको हटाना चाहो हटा दो, जब उनको मारना चाहो दबाना चाहो दबा दो, कोई पूछेगा नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी और जो मेरी थिंकिंग है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो, हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो अच्छा काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए। ये हमारी थिंकिंग है। और ये हम असम में सरकार आएगी तो इसको हम यहाँ लागू करेंगे, दिल्ली में सरकार आएगी तो उसको हम वहाँ लागू करेंगे। आखिरी दो तीन चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, देश में रोजगार, ये जो अदानी जी हैं ये नहीं देते, ठीक है। देश में रोजगार कौन देता है? देश में रोजगार छोटे बिजनेस देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस देते हैं, आप जैसी कंपनीज देती हैं, किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है। और इन सब पर नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण किया है, पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की। और लक्ष्य इसका क्या है? जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने का है। कि पूरा का पूरा, जैसे पहले यहां पे अंग्रेज राज करते थे, पूरा का पूरा दो तीन लोगों को पकड़ा दो, और जो वर्कर है उसको बिल्कुल वनरेबल कर दो, उसको बिल्कुल कमजोर कर दो, उसको दबा दो। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला है। ये सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई डैमेज नहीं होगा, इससे बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। सोशल प्रॉब्लम आएगी, क्राइम बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी। तो ये इसके खिलाफ है हम। और जहां भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, जहां पे हमें आपने कहा कि हम इसको सांसद में उठाएं, मैं पर्सनली आपकी जो मांगे मैं इसको सांसद में उठाऊंगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इन चीजों के लिए लड़ते हैं और इनको हम कन्फ्रंट करते हैं। ये जो आपका नया कोड आया, लेबर कोड आया है, ये जो फार्म बिल्स आई हैं, ये बिना डिस्कशन के पास कर देते, पार्लियामेंट हाउस में हमें बात भी नहीं करने देते, बस पास कर देते। मगर हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े होके जो आपको हक मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए, आपने बहुत अच्छी तरह अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। আপনার পক্ষে ধন্যবাদ জানাইছো শ্রী রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার ফালৰ পৰা। আমার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়ার পৰা, আমার সকলের ফালৰ পৰা আপনার মনত থাকিব, আমি সদায় আপনার লগত থাকিম আর আপনার আশা আকাঙ্ক্ষাক প্রতিফলিত করবলে চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। Thank you.